उद्घाटन होने के बाद वंदे भारत आज पहली बार यात्रियों को लेकर पटना जंक्शन से हावड़ा पहुंचेगी। 8 बजे ट्रेन खुलेगी और दोपहर 2:30 बजे ये हावड़ा जंक्शन पहुंच जाएगी। आज पहला दिन है और कुछ यात्री हैं जो आज पहले दिन की सवारी कर रहे हैं, हम कुछ यात्रियों से बातचीत करेंगे। सर, कैसा लग रहा है वंदे भारत में? आप यहाँ आज पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं, पहली बार वंदे भारत चल रही यात्रियों को लेकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और ये काफी सफाई है इसमें और ट्रेन जो कि नई है इसलिए अनुभव अच्छा लगेगा और हम चाहते हैं कि ये ट्रेन टाइम से चले और यात्रियों को सुविधा रहे। और हमने देखा है दूसरे वंदे भारत से हमने यात्रा की हुई है रांची वाले से, बहुत अच्छा लगा। और ट्रेनों से ये ट्रेन कितना अलग है और क्यों खास है ये ट्रेन, इतनी चर्चाएं क्यों होती है इस ट्रेन की? सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई भी लोकल पैसेंजर चढ़ नहीं सकते हैं, दरवाजा बंद रहता है, सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है और काफी साफ सफाई बहुत ही अच्छी है और खाने पीने की सुविधा है ही है, तो ये सभी चीजें अच्छी। और समय की भी बचत, समय की सबसे बड़ी बात है कि समय की बचत होती है और समय भी अच्छा रखा है कि जिसमें कभी भी किसी को अगर कलकत्ता में काम हो तो करके भी आ सकते हैं या रांची में काम हो तो करके आ सकते हैं। ये तो फर्स्ट जर्नी है, ठीक है, और देखता हूँ कैसा क्या। अभी तक कैसा लगा इस? अभी तो फिलहाल ठीक ही लग रहा है। दूसरी ट्रेनों से इसकी सुविधाएं कैसी लग रही है आपको? अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है। सीट कम्फर्टेबिलिटी? हाँ, सीट मतलब यात्रा शानदार होने वाला है। देखिए, एक्साइटेड है वंदे भारत की ट्रैवलिंग के लिए? इसीलिए तो फर्स्ट डे फर्स्ट। तो मतलब किसी काम से जा रहे हैं या वंदे भारत की सवारी करने के लिए हावड़ा जा रहे हैं? अच्छा, मैं यहाँ जॉब करता हूँ। तो पहली बार इस ट्रेन से जा रहे हैं। चलिए, कुछ और लोग हैं, उन लोगों से बातचीत करेंगे। सर, दूसरे ट्रेनों से ये ट्रेन कितना खास है, इस ट्रेन में क्या अलग लगता है आपको? काफी अच्छा है लेकिन पता नहीं, सब चीज तो ठीक है लेकिन भोजन अगर ठीक मिले तभी ठीक है जो कि रेलवे में नहीं होता। तो आप मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दूसरे ट्रेनों से इस ट्रेन में कम से कम भोजन भी अच्छा मिले? अच्छा, वंदे भारत में पहले भी कहीं चढ़ चुके हैं? पहली बार चढ़ रहे हैं वंदे भारत में, पहली बार चढ़ रहे हैं। आंटी जी, आपको कैसा लगा? इनसे पूछिए, ज्यादा अच्छा बोले। बहुत अच्छा लग रहा है कि ट्रेन का सफर करना आजकल बहुत मुश्किल है, टिकट नहीं मिलता है, फिर भीड़ इतनी होती है, सफाई नहीं है, लेकिन अभी तो चढ़ने के बाद लग रहा है सब अच्छा है, आगे भी अच्छा रहे उम्मीद करती हैं। चलिए, एक आधा लोग से और हम बातचीत करेंगे। उधर भी कुछ फैमिली बैठी है जो कि आज इस वंदे भारत का सफर करने वाली है, हावड़ा जा रहे हैं। सर, पहली बार वंदे भारत से चढ़ रहे हैं? सब पहले चढ़ चुके हैं जी, पहली बार। दूसरे ट्रेनों से ट्रेन कितना खास है? फिलहाल तो डिफरेंस बहुत ज्यादा है दूसरे ट्रेन को तुलना में। और उसके बाद हावड़ा पहुंचने के बाद मैं पूरी तरह से बता पाऊंगा। अभी तक जो बैठा है, अभी तक तो फिलहाल के लिए बहुत ही बढ़िया है। एक्साइटेड है वंदे भारत की यात्रा के लिए? कितना एक्साइटेड है? बहुत। पहली बार चल रहे हैं? पहली बार। कैसा लग रहा है दूसरे ट्रेनों से? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड है इस ट्रेन में ट्रेवल के लिए। कैसा लग रहा है आप लोगों को? दूसरे ट्रेनों से कितना अलग लग रहा है आपको? अलग है, स्पेस अच्छा है यहाँ पे, अभी तो नया है तो पूरा साफ सफाई बहुत अच्छा है, वॉशरूम अच्छा है, तो अभी अच्छा है, अभी अच्छा है, मतलब अच्छा है। लेकिन गवर्नमेंट दिनों तक कैसा रहता है ये देखने की बड़ी बात है कि इसको मेंटेन रखना है। चलिए, तो देखिए, आज पहली बार वंदे भारत जो है वो यात्रियों को लेकर हावड़ा के लिए अभी से थोड़ी देर में रवाना होगी और जो यात्री हैं वो काफी एक्साइटेड हैं, साफ सफाई को लेकर खुश हैं, मगर इनका कहना है कि जिस तरीके से आज मेंटेन किया गया है वंदे भारत को, हमेशा वैसे ही मेंटेन किया जाए। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।